ब्लैक फंगस को लेकर कितने आपके डिपार्टमेंट ईएनटी में पेशेंट्स आए और क्या पोजीशन है इसकी? सभी को नमस्कार। आज तक हमारे पास दो ही पेशेंट आए हैं, एक तो जो कल पेशेंट फर्स्ट आया ब्लैक फंगस का, जिसको कि ऑपरेट किया गया था वहीं पे जीएमसी में, और एक दूसरा पेशेंट आया जो कल हमारे पास दाखिल हुआ है, तो वो भी सस्पेक्टेड ब्लैक फंगस ही है। किस तरह पोजीशन है और क्या काम कर रहे हैं जो ब्लैक फंगस होने पे इस दोनों काल में? ब्लैक फंगस पहले भी होता था, बट कोविड काल में जो सेकेंड वेव है इसमें देखना ज़्यादा आ रहे हैं ब्लैक फंगस के पेशेंट ऑल ओवर इंडिया में, बाहर कंट्रीज़ में भी आ रहे हैं, तो हमारे इधर भी आ रहे हैं। मोस्टली उन पेशेंट में देखा गया है जिनको जिन्होंने स्टेरॉइड्स ज़्यादा देर लिए हैं, जिनको शुगर है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, या शुगर का कॉम्प्लिकेशन जैसे डायबिटिक केटोएसिडोसिस बोलते हैं वो हो रहा है, या जो कैंसर पेशेंट हैं, जो अम्यूनो सुप्रेस पेशेंट हैं किसी भी वजह से, जैसे किसी को कैंसर का ट्रीटमेंट चला है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, तो इन लोगों में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है ब्लैक फंगस होने का। डॉक्टर साहब, किस तरह का ट्रीटमेंट लिया जाता है, सर्जरी की जरूरत पड़ती है जब बिना सर्जरी के भी ठीक होने वाला? नहीं, इसमें एक बार ब्लैक फंगस ने नाक को सबसे पहले पकड़ता है, नाक में होता है सबसे पहले, वहाँ से ये फैल के आँख में, चीक में, पैलेट में, ब्रेन में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, लेकिन इसको जितनी जल्दी पकड़ा जाए उतना अच्छा है। इसका ट्रीटमेंट तो एक्सीजन ही है, उस पार्ट को निकालना है जिसमें फंगस हो चुका है, और वो भी कम्प्लीटली निकालना है, क्योंकि अगर वो कम्प्लीट एक्सीजन नहीं हुआ तो इसके स्प्रेड करने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद इन पेशेंट्स को फिर एंटी फंगल ड्रग्स पे डाला जाता है काफ़ी देर के लिए। अभी जो कल आपके पास पेशेंट्स आए हैं, उनकी पोजीशन किस तरह का, सर्जरी की गई है अभी किस तरह का वो? नहीं, अभी जो कल जो पेशेंट आया था हमारे पास, उसने तो डिस्चार्ज एंड रिक्वेस्ट ले लिया, वो चला गया होगा। क्या एडवाइस करेंगे इस टाइम पे आप? मैं ये कहूँगा कि जो पेशेंट्स कोविड से डिस्चार्ज होते हैं उनको 2 से 6 हफ्ते के अंदर ये ब्लैक फंगस होने का चांसेस रहते हैं, उस दौरान उनको डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए और अपना दिखाना चाहिए, नेजल एंडोस्कोपी करानी चाहिए, ताकि अर्ली पकड़ा जाए और अर्ली डायग्नोज हो जाए। वो पेशेंट जिनको चीक में कोई एनेस्थीजिया हो जाता है, पैरेस्थीजिया हो जाता है, नाक से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, नाक बंद हो जाता है पोस्ट कोविड में, घर पे चले गए हुए हैं उनको, और वो डायबिटिक भी हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज भी हैं, उनको ये चेकअप अर्ली करवाना चाहिए। एक लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लोगों ने घर में ला के रखी है उससे ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है बनिस्बत के जो जनरेशन प्लांट हॉस्पिटल में है उस ऑक्सीजन से? नहीं, ऑक्सीजन से नहीं फैल रहा, ऑक्सीजन को हमें पहले पानी में से गुजारना पड़ता है। जो पानी वो यूज़ कर रहे हैं वो कॉमन पानी नहीं यूज़ करना है, उसकी जगह डिस्टिल वाटर यूज़ करना है, ये है उसमें जो पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं। साथ में उनको अपनी ट्यूबिंग भी चेंज करते रहना है। जो हाई रिस्क पे होगा जो कोविड से है, हर कोविड पेशेंट को भी आके चेकअप कराने की जरूरत नहीं है, जो हाई रिस्क पेशेंट है, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स पे हैं, ठीक है ना, उनको करवाना है जब वो किसी वजह से अम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको कीमोथेरेपी मिली है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनके छोटे बच्चों में ल्यूकेमिया वगैरह है जैसे, स्पेशली ब्लड कैंसर, उनको बड़ा हाई रिस्क है, और जैसे कोविड से ठीक होते हैं उनको आके 2 से 6 हफ्ते बाद आके ईएनटी से चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए। प्लस जिसमें वार्निंग सिम्टम्स हैं जैसे आँख में सूजन आ गई है, नाक से ब्राउन या ब्लैक ब्लड का डिस्चार्ज आ रहा है, या एकदम चेहरे का थोड़ा सा स्किन हैवी हो गया, नमनेस आ गई है, जो ब्लैक से एकदम सरदर्द हो गई है जो किसी दवाई से ठीक नहीं हो रही है, आँख से पानी चल रहा है, आँख के मूवमेंट में थोड़े देखने में ब्लड विजन हो रही है, देखना कम हो रहा है, तो कई जो थोड़े से वार्निंग सिम्टम्स हैं उनको एकदम आके हॉस्पिटल में चेकअप करवाना चाहिए, एकदम डॉक्टर के पास आना है, उनको किसी वो अपने से कोई दवाई नहीं शुरू करनी है। स्पेशली जिसको कि नाक से खून आना शुरू हो, सोचे सिंपल मैं साइनोसाइटिस की दवाई शुरू कर लूँ, तो वो गलत होगा। हाई रिस्क पेशेंट को और नाक से
खून वाला या रेड कलर या ब्राउन कलर डिस्चार्ज आ रहा है, वो सिंपल साइनोसाइटिस की ट्रीटमेंट खुद से शुरू ना करे, वो सीधा ई एन टी डॉक्टर के पास आके अपना चेकअप करवाए। इवन कहीं में दांत लूज हो जाते हैं, खाने में च्यू करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनको भी आके दिखाना चाहिए। जिसका पैलेट्स को हम कहते हैं जी तलवा है उसका, उसमें ब्लैक कलर आ रहा है, जो नाक के आगे पीछे स्किन ब्लैक हो रही है, नाक का ब्रिज जो हम ऊपर कहते हैं नाक के ऊपर का एरिया का स्किन ब्लैक हो रहा है, तो जब वार्निंग सिम्टम्स आते हैं उसको एकदम डॉक्टर के पास आना है, और स्पेशली वो ई एन टी के पास आ जाए। अगर आँख में प्रॉब्लम आ रही तो आई डॉक्टर के पास इमिजिएटली जाए, वो अपने से आई ड्रॉप भी ना डाले कोई। कईयों जैसे छाती में भी जा सकते हैं माइकोरवाइकोसिस से जो ब्लैक फंगस है, तो उसको खांसी आ जाएगी, सांस चढ़ेगा, खांसी में थोड़ा खून आ सकता है, खून वाली उल्टी आ सकती है, तो उसको भी वापस अपने चेस्ट फिजिशियन को जनरल फिजिशियन को दिखाना चाहिए। तो इन सब जो वार्निंग साइंस आ रही हैं उसे हम इमीडिएटली पिक कर सकते हैं ब्लैक फंगस है कि नहीं। गैथरेट कितना रहता है इसमें मॉर्बिडिटी मॉर्बिडिटी बड़ी हाई होती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम सर्जरी करते हैं, डेड स्किन को निकालते हैं, जो फंगस इन्वॉल्व है पूरा डिब्राइड करते हैं, और लॉन्ग टर्म एम्फोटेरिसिन चलती है, बट मॉर्टेलिटी भी बहुत है, मॉर्बिडिटी बहुत है। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो के एस फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास के एस फर्नीचर के साथ।